subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और मुझे सेज के सेटअप पर और सेज मैनेजमेंट के अंदर एक मुकम्मल रोया नजर आती है। और जहां पे लोग रोया की ताबेदारी में काम करते हैं, उन्हें दुनिया में तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। खुदा को पसंद अपनी इरादे अच्छे करें, अपनी सोचें, अपने ख्याल। मौजूदा दौर में वो कौन सी चीजें जो हमें आगे बढ़ने पर हमारी मदद कर सकती है, और वो कौन सी चीजें हैं जिन्होंने हमें, हमारे माँ बाप को, समाज को, चर्च को परेशान किया है। हम किन चीजों का सहारा लेकर आगे बढ़ सकते हैं अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, चर्च के लिए। वैसे एक बहुत बड़ी मुसीबत आई आप मोबाइल। मैं बहुत सर्चर हूँ, मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, फैमिलियों में जाता हूँ, मेरे पैगाम आप ही से बन जाते हैं। मैंने कभी नहीं लिखा ये है फला है, मेरी ज़िंदगी के वाक़यात मेरा एक पैगाम है। जब घरों में जाता हूँ, अजदवा से मिलता हूँ, यूथ को मिलता हूँ, तो मुझे क्या कहना होता है वो मुझे मिल जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे भी मैं लिख रहा था जो अच्छी अच्छी बातें आपने कही। मैं इसको अपनी डायरी में तरतीब दूंगा जाके आपके नामों के साथ। ये बात मैंने फला इस बच्ची के तलक से, नादिया, इकरा और आप सब भाई के तलक से, कि ये बातें इन लोगों से सीखने का मुझे मौका मिला। ये जो आपकी एज है ना, जिस एज में आज आप हैं, ये आपके फ्यूचर की बुनियाद है। कभी कभी हम कहते हैं हम कुछ बन के फिर ये काम करेंगे। जो बनने की एज है ना, वो 13 से 20 साल टीनेज। हमारी पूरी जिंदगी की, हमारे फ्यूचर की, हमारी खुशियों की बुनियाद ये है। हमने जो कुछ करना है इसी एज में करना है। फिर हमें सिफारिश, अप्रोच, इन सब चीजों की जरूरत रहेगी। जो इरादे हैं, जो सोचे हैं, वो इस एज में। और मैं अफसोस से कहता हूँ कि मोबाइल ने हमारे इतने प्यारे नौजवान, इतने खूबसूरत हैं, उन्होंने कंधा ना ला छड़िया। सारी सारी रात मैं 3 बजे जाता हूँ अपने चर्च में सैटरडे को, क्योंकि मुझे 4 बजे पहले मीटिंग लेनी होती। 3 बजे भी लोग जाग रहे होते हैं और पट्टियाँ ते बह के सारी सारी। हम क्या करते थे? इस मोबाइल ने माँ बाप को छीन लिया, इस मोबाइल ने रिश्तों को छीन लिया। बेशक इससे अच्छा काम लिया जा सकता है, लेकिन ज्यादा इसने बर्बादी की है, इसने द्वाज को तोड़ दिया है। माँ बाप और बच्चों के रिलेशनशिप को खत्म कर दिया मोबाइल ने। पता ही नहीं आज बच्चे ने पूछिए अब्बा लेना है कि मोबाइल, बिन वैसे की करना, टच मोबाइल ले दो। इसकी वैल्यू जिस चीज की बढ़ती जाती है वो बीमारी बन जाती है। मुझे एक वाक्या याद है, ये सच्चा वाक्या है, कि लड़का था, ये आपके सुनने वाली कहानी है, कि गंदी आदतें, गंदी सोचें हमें मौत की तरफ ले जाती है।
और अच्छे ख्यालात ना सिर्फ हमारे लिए बरकत होते हैं, आपके माँ बाप के लिए भी, आपकी कलीसिया के लिए, आपकी कौम के लिए। तो मैं जब निकला, मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदावंद मैं मिशन की चेन और रस्सियों में बंधना नहीं चाहता, मैं एक मसीही मनाद बनकर काम करना चाहता, इसलिए मेरी अपनी ये तालीम और मनादी है कि करोड़ या लाखों भी डिनोमिनेशन क्यों ना, लेकिन वी आर वन, हम सब एक, क्योंकि बाइबल एक है। मैंने अपने लिए रास्ता, इसलिए चिल्ड्रन चैपल वहां किसी डिनोमिनेशन जिनका नाम नहीं है, मुझे कैथलिक बुलाए, वो कैथ, मैं मुझे लगता है मैं अपने चर्च में आया हूँ, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान, सल्वेशन आर्मी, कोई भी, मुझे ऐसे लगता है ये अपने ही तो है, हम एक कौम बने, हम टुकड़े ना बने, हम एक कौम है। ये नाम जो है ये खिदमत करने का एक जरिया है, ये हमारा एड्रेस है, ये हमारी पहचान है कि हम ये जगह पर है। जैसे हम किसी कॉलोनी को कोई नाम देते हैं, हम अपने आप को नाम देते हैं, लेकिन हम सब हैं एक, क्योंकि हमारा जीसस एक है, बाइबल एक है, हमारा गोल एक है, रास्ता एक है, दरवाजा एक है। इसलिए छोटी छोटी कमजोरियां तो सब में होती है, इसलिए ये वाक्य मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूं कि शायद आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लड़का था एक, तो वो ही मोबाइल पे खेलने वाला, तो उसकी ख्वाहिश तो उसने ना अपने घर में बहुत बड़ी एक तस्वीर लगाई हुई इंडियन एक्टर की, तो वो रोज सोचता है काश कहीं इसके साथ मेरी शादी हो जाए। उठता बैठता गंदी सोचे, गंदे ख्यालात हमें किस तरफ ले जाते हैं, मौत की तरफ। वो इस उस तस्वीर में इतना, उसने जितनी फिल्में देखनी ना उसी एक्टर की, कई दफा उसने उसी फिल्म का खुद हीरो बने हो ना, समझा मैं, अब अपने देर में सोच रहे ये मैं हूं, ये वो है, वो इतना उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो सोने लगा अपने बेडरूम में, तो उसको एक आवाज आई कि तू मेरे साथ शादी करना चाहता है, ठीक है मैं भी तेरे साथ शादी करना चाहती हूं, हम शादी कर लेते। वो डर गया, ये आवाज कैसे, वो दूसरे दिन सोया, फिर उसको आवाज, आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज बढ़ी, उसने उस बेडरूम को, उससे खौफ आना शुरू हो गया, और वो जो दरमियान में होता सीन उसमें आ गया, वो आवाज वहां भी उसका पीछा कर रही है। उसने अपनी अम्मा को कहा मैं तो ताड़ी बेडरूम से सोना चाहता हूँ, मैंने बहुत डर लगता है, अपनी अम्मा के बेडरूम से गया, आवाज वहां भी उसका पीछा कर रही, मैं तेरे साथ शादी करना चाहती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, उस वो इतना बीमार पड़ गया कि उसको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन मैं आपको बताऊं वो मर गया उस खौफ से। जो गंदी सोचे हैं, गंदे ख्यालात हैं, वो हमें मौत की तरफ ले जाते हैं, और अच्छे ख्यालात हमें खुदा के करीब करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, किताबों को अपने दोस्त बनाएं। मेरे कमरे में आज भी किताबें हैं, मेरी तरक्की का राज मेरी दोस्त मेरी बाइबल है। मैं इसका, मैं कई दफा जब थोड़ा परेशान होता हूँ मैं इनके साथ बातें करना शुरू करता, कभी मेरे पास ना हो तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अकेला हूँ। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा हादसा हुआ, लेकिन अगर मेरी दोस्त मेरी बाइबल ना होती तो शायद ऐसे हादसों से इंसान डिस्टर्ब भी हो जाता। अगर आप दुनिया में एक बेहतरीन लीडरशिप को कमांड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आज आपने 20, 25, 30, 40, 50 लोगों को प्रीच किया, ये थाउजेंड्स में बदल जाए और खुदा आप लोगों को उनकी रहनुमाई के लिए खड़ा करे, किताबों को अपने दोस्त बनाएं, बाइबल को अपना दोस्त बनाएं।